Hello friends, I Susanta welcome you all to class 9 geography chapter number 1. The first chapter it is India size and location. Iska matlab Bharat ka jo aakar aur sthiti. So let's start. Bharat vishwa ki prachinitam sanskruti mein se ek hai. Pichle 5 dashakon mein Bharat ne samajik आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है. कृषि, उद्योग, तकनीकी और जो बहुत सारे क्षेत्र आर्थिक विकास, इसमें अद्भुत प्रगति हुई है. भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. सो लेट्स नो अबाउट हर लोकेशन स्थिति. भारत एक विशाल देश है. यह उत्तरी गोलार्ध में, जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये स्थित है. आपका किताब में जो 1.1 जो दिया हुआ है इस पिक्चर में देखो, एशिया कंटिनेंट के अंदर. इसका जो मुख्य भाग जो 8 degree 4 minutes उत्तर से 37 degree 6 minute उत्तर अक्षांश तथा 60 degree 7 पूर्व से 97 degree 25 पूर्व ये देशांतर तक है. कर्क रेखा 23 degree half उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है. मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है. अपनी एटलस जो है आपका, इसके सहायता से इन द्वीपों समूह का विस्तार ज्ञात करते हैं, डिस्कशन करें, है ना. इसका आकार देखो, साइज. भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है. भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है. चित्र जो आपका टेबल 1.2 जो पिक्चर दिया हुआ है, इससे स्पष्ट है कि भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है. भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है. भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है. इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर जो संकरा होता गया है. इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है. जो पिक्चर 1.3 देखो, इमेज वाला जो है, देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण का विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, इसके स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 degree 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या इसको माना गया है याम्योत्तर. ये जो है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है. अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है. नेक्स्ट चलो देखते हैं कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत तथा विश्व. भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है. भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है. हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है. देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया
अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत महासागर के नाम पर हमारा देश का नाम भारत हुआ है, ऐसा क्या? नहीं, भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा है। भारत के नाम पर भारत महासागर रखा गया है, ठीक है। देखो, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क ये जो युगों पुराना है, परंतु वह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों इससे अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं ये जो प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए गए थे या ले जाते थे। इसके जो विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। नेक्स्ट, इंडियाज नेबर्स, है ना, पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटोरीज, जिसको हम कहते हैं केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये जो भारत की जो भूमि, इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ, ऐसे ही दक्षिण में समुद्र पार हमारे जो पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खड़ी है, जो मालदीव, लक्षद्वीप इस समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपने जो एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। थोड़ा गौर से देखो ये मानचित्र को, ठीक है। ओ, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, ओके। ऑल ऑफ यू लुक एट योर इंडियन मैप वेरी केयरफुली, फॉर विच यू कैन अंडरस्टैंड द नेवर्स ऑफ इंडिया। सो डियर फ्रेंड्स, दिस मच इज ऑल अबाउट द चैप्टर। We'll meet once again in the next chapter. Till then, take care of your studies. Thank you.